अरे बच्चों, कैसा लग रहा है गांव में आके? मजा आ रहा ना? हाँ पापा, बहुत मजा आ रहा है। मिट्टी में मेरे चक्कर आ रहे हैं, धूप में पसीने में, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। ओ बच्चों टेंशन मत लो, आगे देखना कितना मजा आएगा। क्या खाक आगे देखे, खड्डे आए जा रहे हैं, उछल उछल के ना सारा खाना भी ऊपर नीचे हो गया पापा। अच्छा खड्डे नजर आते हैं तुझे? ओ दिल्ली का ट्रैफिक और पोल्यूशन वो नजर नहीं आता तुझे? अरे सही तो कह रहे मेरे बच्चे, कहाँ धूल मिट्टी में ले आए हो, मेरे बच्चे बीमार हो गए तो इतनी गर्मी में, इससे अच्छा तो हम घर ही रहते। अरे बागबान, तेरा तो मुझे पता है, तू अपनी सासू माँ से डरती है, इसीलिए कह रही है वापस चलो। अरे अरे मैं क्यों डरूंगी सासू माँ से, मैं तो खुद चाहती हूँ उनसे मिलना। अरे बच्चों तुमने क्यों मुंह बुला रखा है? तुझे बताऊं मैं, गांव में एक बड़ा सा पूल है, वहाँ बच्चे नहाते हैं, मजे लेते हैं। क्या पूल? ओये ओये ओये। चलो एक चीज तो है यहाँ पर जो हमारे काम की है। क्यों बड़ी? हाँ छोटी। चलो चलो गांव के ये मजे लो और नजारे देखो। हाँ पापा देख रहे हो गांव के मजे और नजारे। बानी हम ना होइले आज शैम्पू से, बानी हम ना होइले आज शैम्पू से, आवा तारे सोनिया सख टेम्पू से, बानी हम ना होइले आज शैम्पू। अरे आओ आओ आओ, शहर से मेहमान आए हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। विजय भाई राम राम, कैसे हो? माँ जी किधर हैं? भाई साहब माँ तो सुबह ही हरिद्वार चली गई। मैं इतनी दूर से माँ जी को मिलने आया था और आप कह रहे हो हरिद्वार निकल गई, मुझे बताया क्यों नहीं तूने? अरे भाई माँ का तो के बताऊं, कभी कहीं चली जाए कभी कहीं चली जाए। चलो अच्छी बात है, सासू माँ नहीं है, बेवजह के ताने सुनाई जाती थी, दूध में भी पानी मिलाती थी और लस्सी में भी पानी मिलाती थी। अब मैं दूध और लस्सी अपने हिसाब से बनाऊंगी। चलो बच्चों। कहा दूध निकाल ले। मम्मी दूध वूध नहीं निकालेंगे हम, समझ गए? और नहीं तो क्या, हम इतनी दूर शहर से या गांव में दूध निकालने थोड़ी ना आए। तुम दोनों को ना बहुत शहर की हवा लग गई है, चलो गांव की हवा खिलाती हूँ तुम्हें। चलो चुपचाप कहीं जाऊंगी। अरे बागबान, मैं विजय भाई के साथ गन्ने के खेत देखने जाता। चलो भाई साहब आपने इतने गन्ने के खेत दिखा लिया। आओ जी भाई। अरे बच्चों जल्दी आ जाओ। जी, हम नहीं आ रहे मम्मी। छोटी तू तो मेरी प्यारी बच्ची है ना, जल्दी आओ। तुम बोल बोल के बहुत ब्लैकमेल करती हो, पक्का कुछ नहीं होगा ना? अरे डर मत बेटा, कुछ नहीं कहेगी, आ जाओ मजे आएंगे, आ जाओ। मम्मी कैसे कैसे काम करवाती है तुम। छी, अरे बेटा तू भी कर, जल्दी कर। अरे मम्मी मजा आ रहा है तो, है ना? मैंने कहा था मजा आएगा। आजा आजा बड़ी, तू भी आजा, दूध निकालने में बड़ा मजा आ रहा है। हाय हाय छोटी, तू भी मम्मी के साथ शामिल हो गई। छी, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, करो तुम लोग ये सब। और उड़ा ले बड़ी गाय का मजाक आ गया इस बार। मम्मी ची गोबर। लो जी कर लिया सत्यानाश कपड़ों का, चल अब घर चल, नए कपड़े दूं। कपड़े कपड़े तो हम लोग लाए नहीं। हाँ मम्मी कपड़े तो हम लाए नहीं। अरे मैं दूंगी ना कपड़े, चलो मेरे साथ। तो कैसे
लग रहे हैं मम्मी। अरे अब लग रही है ना मेरी लड़कियाँ एकदम सुथरी सी, बिल्कुल देसी। लड़कियाँ तो गांव के कपड़ों में ही अच्छी लगती है। बहुत हो गया था तुम्हारा जीन्स टॉप निकरे शिकरे। बड़ी तेरे घाघरे का कलर से अच्छा ना मेरे घाघरे का कलर है। बेवकूफ छोटी, तेरे घाघरे का कलर और मेरे घाघरे का कलर दोनों सेम है, रेड तो एक जैसे हो ना। ऐसा है क्या? सही है क्या यार बड़ी, ये घाघरा चोली पहन के ना मेरा डुमके मारने का मन कर रहा है। फिर मार ले, नाचो नाचो। अरे बस 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 बस, मेरी लड़कियों को नजर ना लग जाए। थो 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 थो। अरे मम्मी पापा कहाँ गए? मुझे पापा को भी दिखाना है कि हमने क्या पहना है, घाघरा और चोली। अरे तेरे पापा तो गन्ने के खेत में गए हैं तेरे चाचा जी के साथ। अच्छा ठीक है, हम भी गन्ने के खेत में चलते हैं। चल बड़ी, चल छोटी। मम्मी आप भी चलो ना हमारे साथ गन्ने के खेत देखने। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे चली जाऊँ घर खुला छोड़ के, और इन गाय भैंसों को कौन चारा देगा? अरे मम्मी गाय भैंस अकेली थोड़ी ना, कितनी तो सारी है, एक दूसरे का ध्यान रख लेगी। आप खुला छोड़ के चलो हमारे साथ। हाँ मम्मी ये भी सही है, चलो फिर। चल बड़ी, चल छोटी। विजय भाई यहाँ तो कटाई चल रही है। अरे भाई साहब आप आई गलत सीजन में हो, गन्ने की कटाई तो हो चुकी है। हाँ अगली बार आना, अगली बार दिखाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई साहब वो कौन आ रहा है? अरे भाई साहब ये तो मेरी बेटियां हैं। कैसे लग रहे हैं पापा? अरे मेरे बच्चों तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी बेटियां हो। हाँ पापा हमें भी ट्रैक्टर चलाना है। हाँ पापा हमें भी चलाना है गड़ गड़ वाला ट्रैक्टर। अरे ना ना छोरियो, ट्रैक्टर चलाने खातर है ना लाइसेंस बनवाना पड़ा है, जाओ फिर लाइसेंस बनवा के आओ। मम्मा अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, माना मेरी बेटियां पागल है पर इतनी भी जल्दी नहीं है, इनको भी पता है ट्रैक्टर के लिए लाइसेंस भी चाहिए होता। अरे भाई साहब मन्ना आप तक कही थी ना दूसरी वाली तो ब्याह कर लेते, इन्हें तो न्यू भी ना बेरा ट्रैक्टर चलाने खातर लाइसेंस बनाया कि नहीं। अरे विजय अब हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। आ जाओ छोरियो बैठ जाओ। चलो चलो बैठो मेरी गुड़िया, चलो चल चल ट्रैक्टर चलाएंगे। जीने के है चार दिन, बाकी है बेकार दिन। जीने के है चार दिन, बाकी है बेकार दिन। जीने के है चार दिन, बाकी है बेकार दिन। क्या है ये यार? मम्मी बहुत भूख लग रही है। मम्मी को क्या बोल रही है, पिज्जा ऑर्डर कर लेना, वैसे भी इस गांव में क्या मिलेगा खाने को। हाँ यार मैं तो भूल ही गई, पिज्जा भी तो ऑर्डर कर सकती हूँ। अरे ओ देवियों खिलाऊं तुम्हें पिज्जा बर्गर, यहाँ नहीं मिलने वाला कोई पिज्जा बर्गर, यहाँ तो मिलेगी जो तुम आम तोड़ो ना उसकी चटनी और चूल्हे की रोटी। छी चूल्हे की रोटी, इससे क्या होगा, धुआं मेरे फेफड़ों में जा रहा है। मम्मी मुझे नहीं खाना है। अरे खा के तो देखो उंगलियां चाटती रह जाओगी, बैठो इधर। अरे तेरे पापा कहाँ गए? अरे जी आ जाओ आप भी। पहले ही कह रही थी चूल्हे की रोटी एक नंबर होती है। अरे वाह भगवान इतना बढ़िया खाना दिल्ली में तो कोई बनाया नहीं है, जितना बढ़िया यहाँ बनाया है, वाकई वेरी गुड, बहुत मजा आ गया।
शुक्रिया जी शुक्रिया। हाँ बागवान मजा आ गया, मेरी बात सुनने बागवान है। आज जब दिल्ली जाएंगे ना तो गैस और सिलेंडर दोनों बाहर, वहाँ हम चूल्हा बनाएंगे, चूल्हे पर ही खाना बनाना, बड़ा मजा आएगा। ये तो ज्यादा हो गया, मेरे बस की नहीं है इतना। वो मिठाई डबे सो गई। क्या मम्मी बहुत हो गया खाना, अब मुझे बहुत प्यास लग रही है, गला सूखे जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक तो ऑर्डर करने दो। हाँ मम्मी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक हो जाए, मजा ही आ जाएगा। ना 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 ना, या क्या बात कर दी था हमने सहरा लो, मारे गा मारे हो, कोल्ड ड्रिंक का तो नाम में नहीं लेना, या पियो था। अरे छोरियो एक पी के तो देखो, दूध है क्लासी है। अरे वाह ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ चाचा ये तो बहुत टेस्टी है, कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा। हाँ वाह पापा थैंक यू सो मच कि आप हमें गांव लेकर आए। हाँ पापा मजा ही आ गया। बच्चों जल्दी जल्दी खाना खा लो, अभी तो और बहुत कुछ देखना है, चलो मेरे साथ और आगे। पी लिया पानी। मम्मी क्या कर रहे हो? अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या, वैसे को पानी पिला रही हूँ, अभी झोड़ में लेके जाऊंगी नहलाने के लिए। नहलाने? ठीक है मम्मी, तो एक काम ना आप हम पे छोड़ दो, हम ले जाएंगे इनको नहलाने। हाँ तुम दोनों नहलाओगी भैंसों को, पता चले भैंसे तुम्हें नहला रही है। हाँ मम्मी नहला देंगे ना यार। हाँ मम्मी जा रहे दो ना। क्या हुआ भाभी जी? अरे भाई साहब देखो ना, दोनों मैडमें कह रही है इनको भैंसों को नहलाना है जोड़ में, पता चले भैंसों ने इनको कुचल दिया। ओए माँ। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना, मेरे साथ चल पड़ो। चलो चलो ठीक है भाई साहब आप कह रहे तो, जाओ भाई जाओ, चाचा जी के साथ चलेंगे। चलो यार बड़ी इन भैंसों को कितना बड़ा स्विमिंग पूल है ना। हाँ छोटी सही कह रही है, मेरा तो मन कर रहा है मैं भी कूद जाऊँ इसमें। चाचा जी हम जा सकते हैं इसमें नहाने? हाँ हाँ नहा लो, पर एक चीज का ध्यान रखियो, ये भैंस इससे मांगते हैं इससे मुँहते हैं सब कुछ इससे में करें, गरीब भी नहाना है तो नहा लो। हमें नहीं जाना, गंदी है बड़ी, हम तो इनसे देख लेंगे ये कैसे नहा। चल चल इन्हें खिलाते हैं, आ जा। ओम सी माम सी माम बिंग बिंग बो, तक तक सस्ते न से तार चिपक गई छाती से। ओम सी माम सी माम बिंग बिंग बो, तक तक सस्ते न से तक तक तार है ढीली। कौन कसे 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 कौन कसे। बहन की बत्तियां बुझा के बस ट्रिप लैंड। बाय गाय बाय बहन, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, फ्लाइंग किस। अरे आ तो अपनी माँ से मिलने था, वो तो मिली नहीं, चलो अगले हफ्ते फिर आ जाएंगे। क्या अगले हफ्ते हम फिर आएंगे? हाँ। अरे लड़कियों कपड़े तो बदलो, यही पहन के जाओगी क्या अब? आ, मम्मी हम गांव के कपड़े पहन के जाएंगे शहर। हाँ मम्मी अपने शहर वाले फ्रेंड्स को भी तो दिखाना है कि हमने कैसे कपड़े पहने थे और हम कहाँ से आए। क्या अच्छा शहर वालों को? हाँ एक दिन में गांव वाली हो गई तुम और क्या। ठीक है बच्चों फिर आइयो, थमने गन्ने के खेत दिखाऊंगा। नमस्ते चाचा जी, पेट से भी लेंगे। नमस्ते भाई साहब। अच्छा विजय भाई फिर मिलते हैं। Hey guys, so कैसे आप सब, कैसी लगी वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरा चैनल आदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सांस गई क्योंकि धूप में मैंने शूट किया है, सबने किया है क्योंकि सब मुझे ताड़ रहे हैं, हम बीमार हो गए। मिलते हैं जल्दी प्यारे सी लवली सी वीडियो के साथ।
कब इसमें भर दो, अगर दूसरा पार्ट चाहिए हम केशव के गांव फिर से आएंगे शूट करने, मिलते हैं जल्दी, बाय, लव यू जय बजरंगबली।